क्लिप नंबर 440 इस क्लिप में आप शराबा की आयत नंबर 45 से सैतालीस तक की तिलावत तर्जमा तफ़ी कुरान से जनान समात फरमाएंगे बसमिल्ला तरजा अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है तर्जमा आपसे छुट्टी वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह और कयामत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं तो वो अपने शक में हैरान परेशान हैं आपसे छुट्टी वही लोग मांगते हैं यानी जिहाद के मौके पर बहाना बनाकर रह जाने की इजाज़त मांगना मुनाफिक की अलामत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाना अल्लाह तला का इनकार है इस आयत से मालूम हुआ कि किसरात पर ईमान ना लाना दर हकीकत रब त है क्योंकि मुनाफिक अल्लाह को तो मानते थे अनवर सल्ला के मुनकर थे मगर इर्शाद हुआ कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते वर्ताबत और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं इस तरह के इस्लाम की हकानियत और कुफर के बुतलान पर उन्हें यकीन नहीं और ना उसके अक्स का यकीन है अगर मुसलमानों को फतह हुई तो बोले कि शायद इस्लाम बरहक है और अगर कुफार को फता हो गई तो बोले कि शायद ये लोग बरहक हैं वरना उन्हें फतह क्यों होती या ये मतलब है कि इन्हें अल्लाह रसूल के वादों पर यकीन नहीं रसूल करीम की ख़बरों पर इतमान नहीं ईमान तो नाम ही उस चीज़ का है कि रसूल सही की हर खबर में उनकी तस्दीक की जाए तरद तस्दीक के साथ कैसे जमा हो सकता है करी फिली दी तर्जमा अगर उनके निकलने का इरादा होता तो उसके लिए कुछ तो सामान तैयार करते लेकिन अल्लाह को उनका उठना ही नापसंद है तो उसने उनमें सुस्ती पैदा कर दी और कह दिया गया तुम बैठे रहने वालों के साथ बैठे रहो खुरूज। और अगर उनका निकलने का इरादा होता यानी मुनाफिक तो ये करते हैं कि हम -तबूक में जाने को तैयार थे लेकिन अचानक बीमारी लाचारी या किसी मजबूरी की वजह से रुक गए ये झूठे हैं क्योंकि उन्होंने सफर जिहाद की पहले से कोई तैयारी ही नहीं की अगर उनका जिहाद में जाने का इरादा होता तो कुछ तैयारी तो करते बहुत सी चीजों का कराइन से भी होता है अल्लाह अल्लाहल तो यकीन कतई है लेकिन हमारे लिए इसमें एक नुकता यह है कि बहुत सी चीज़ों का कराइन से भी किया जाता है जैसे यहाँ मुनाफिकीन का जिहाद के लिए कोई तैयारी ना करना इस बात का करीना है कि उन्होंने जिहाद का इरादा ही नहीं किया था वकील और कह दिया गया तुम बैठे रहने वालों के साथ बैठे रहो इसका माना यह है कि जब मुनाफिकीन ने ताजदार अलैहि वसल्लम से जिहाद में शरीक न होने की इजाज़त तलब की तो उनसे कह दिया गया कि तुम बैठे रहने वालों यानी औरतों बच्चों मरीजों और माजूरों के साथ बैठे रहो लाउल तर्जमा अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो ये तुम्हारे नुकसान में इजाफा ही करते और तुम्हारे दरमियान फित्रा अंगेजी करने के लिए दौड़ते फिरते और तुम्हारे अंदर उनके जासूस मौजूद हैं और अल्लाहिमों को खूब जानता है इल्ला अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो ये तुम्हारे नुकसान में इजाफा ही करते منافقین अगर तुम्हारे साथ जंग के लिए निकलते तो शर और फसाद ही फैलाते इस तरह के तुम्हे काफिरों से डराते आपस में लड़ाते तुम्हारे सामने काफिरों की तारीफें और मुसलमानों की बुराइयाँ करते मुसलमानों को काफिरों से डराना منافقوں کا کام ہے इससे मालूम हुआ कि मुनाफिक ने की मुनाफिकाहरी नेकी भी कई मरतबा बुरी नीयत से करता है नीज ये भी मालूम हुआ कि मुसलमानों को काफिरों से डराना और आपस में लड़ाना मुनाफिकों का काम है हमारे दौर में भी ऐसे कलम कार हजरात की कमी नहीं जो हर वक्त गैर मुस्लिम हुकूमतों की ताकत असल फौज और वसाइल का तस्करा करके मुसलमानों को डराने में लगे रहते हैं और तुम्हारे अंदर उनके जासूस मौजूद हैं। इस आयत का एक माना यह है कि तुम्हारे अंदर उनके जासूस मौजूद हैं, जो तुम्हारी बातें और तुम्हारे रास को फार तक पहुंचाते हैं और एक माना यह है कि तुम में से बाज ऐसे एतकाद है कि जब मुनाफिक किस्म के शुभाद जाहिर करते हैं तो वो उन्हें